चलिए बच्चों, देखते हैं आज की क्लास में हम लोग लेंस की क्षमता क्या देखेंगे। लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता यानी कि पावर ऑफ द लेंस। क्या जानेंगे? लेंस की क्षमता यानी कि पावर ऑफ लेंस। देखिएगा, जब प्रकाश की किरण किसी लेंस पर आपतित होती है यानी कि पड़ती है, जब प्रकाश की किरण किसी लेंस पर पड़ती है तो वो क्या होती है, इधर उधर या तो सिकुड़ जाती है या तो क्या होती है, फैल जाती है। समझ में आ रही बात ना? जैसे यहां देखेंगे, एक उत्तल लेंस है, यहां पर कोई प्रकाश की किरण आई और ये इस तरह से क्या हो गई, विक्षेपित हो गई, हुई कि नहीं? क्लियर? ये उत्तल लेंस है, ये अवतल, सॉरी कौन सा लेंस है, अवतल लेंस। अब यहां पे क्या होगा, एक प्रकाश की किरण आएगी और ये क्या होगी, इस तरह से दूर हटेगी। समझ में आ रही बात? तो प्रकाश की किरणों का ये जो मोड़ने की क्षमता होती है, समझ में आ रही बात ना? लेंस जो है प्रकाश की किरणों को ये क्या कर रहा है, मोड़ ही रहा है ना। तो लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को मोड़ने की जो क्षमता होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। समझ में आ गया, कोई दिक्कत? लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को मोड़ने की जो क्षमता होती है, यानी मोड़ने का मतलब ये क्या करता है, उत्तल क्या करेगा, सिकोड़ देगा, और अवतल क्या करेगा, फैला देगा। समझ में आ रही बात ना? तो यही जो क्षमता होती है बच्चों, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता। समझ में आ रही बात ना? तो हम कह सकते हैं लेंस की क्षमता क्या होती है, क्या लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को क्या मोड़ने की जो क्षमता होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। क्लियर हो गया? जनरली इसको ऐसे कहते हैं, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, यहां पर ये जो है फोकस दूरी के टर्म में जो लेंस की क्षमता होती है बच्चों, वो क्या होती है, हम लोग लेंस की क्षमता का सूत्र लिखते हैं। क्या लिखते हैं, लेंस की क्षमता को P से दिखाते हैं, P इज इक्वल टू लिखते हैं 1/f। लेंस की क्षमता P बराबर क्या लिखते हैं, 1/f। क्लियर हो गया? लेकिन ये कब लिखा जाता है बच्चों, जब हमारी फोकस दूरी किस में होती है, मीटर में। क्लियर हो गया? फोकस दूरी किस में होगी, मीटर में। तो लेंस की क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f के। ठीक है, तो यहां से हम क्या करते हैं, लेंस की क्षमता का जो है कॉन्सेप्ट बनाते हैं, यानी डिफिनीशन बनाते हैं। क्या होता है बेटा, इसकी डिफिनीशन क्या होगी, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, यानी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। क्लियर हो गया? यहां से हम कहेंगे लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। क्लियर हो गया लेंस की क्षमता? देखेंगे बच्चों, अगर इसके मात्रक की बात करेंगे, ठीक है ना, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, तो यहां पे देखिएगा, इसका जो मात्रक होता है बच्चों, ठीक है ना, ये मात्रक क्या होता है, मीटर इनवर्स। क्या होता है, मीटर इनवर्स, ठीक है ना, या इसी को हम लोग बोलते हैं डायोप्टर। क्लियर? क्या बोलते हैं,
डायोप्टर बोलते हैं। 100% कोई दिक्कत है? हमें लेंस की क्षमता समझ में आ गया कि लेंस की क्षमता क्या होता है। फोकस दूरी के व्युत्क्रम को हम लोग क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? पी से। पी इक्वल टू क्या होता है? 1/f। लेकिन कब? जब फोकस दूरी किसमें होगी? मीटर में होगी। ठीक है, अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में है तो इसको हम लोग लिखते हैं क्या? 100/f। कब? जब फोकस दूरी किसमें होगी? सेंटीमीटर में होगी। ठीक, तो यहां से हम डिफिनीशन देते हैं, यानी परिभाषा देते हैं क्या? लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्या कहते हैं? क्षमता कहते हैं। क्लियर? अब क्या होगा बेटा, इसका मात्रक निकालेंगे तो इसका एसआई मात्रक जो होता है, ठीक है ना, एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर इनवर्स होता है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायोप्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायोप्टर। क्लियर हो गया? देखेंगे आगे जो है लेंस मेकर फार्मूले के हिसाब से इसका फार्मूला। ठीक है, देखेंगे हम लोग जानते हैं क्या? 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन आर 1 माइनस 1 अपॉन आर। ये हम लोगों ने फार्मूला निकाला है कि नहीं? तो अगर लेंस की क्षमता यहां से मुझे निकालना, ठीक है ना, तो हम लोग लेंस की क्षमता क्या लिख सकते हैं? 1/f की जगह क्या लिखेंगे? P। तो P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों? म्यू माइनस 1, ठीक है, 1 अपॉन आर 1 माइनस 1 अपॉन आर 2। क्लियर हुआ? ये क्या हो गया? लेंस की क्षमता का फार्मूला। क्लियर? हम लिख सकते हैं कि लेंस की जो क्षमता होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है? म्यू माइनस 1। ठीक, क्योंकि इसकी रेडियस तो कांस्टेंट होगी लेंस की। ठीक है, तो यहां से क्या होगा? जो क्षमता होती है वो क्या होती है? म्यू माइनस 1 की क्या होती है? प्रोपोर्शनल होती है। क्लियर? म्यू यहां देखेंगे ये कब बदलेगी, कब नहीं बदलेगी क्षमता। ठीक है ना, तो ये देखना बेटा, यहां से म्यू इज इक्वल टू हम लोगों ने पढ़ा था क्या? म्यू एल अपान म्यू एम के। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? पढ़ा था। यानी जो म्यू की वैल्यू होती है वो क्या होती है? म्यू एल अपान म्यू एम के होती है। ठीक, तो यहां पर हम देखेंगे अगर हमारा, ठीक है ना, जो म्यू एम है अगर म्यू एल से अधिक है, क्या म्यू एल जो है, सॉरी म्यू एम जो है, ठीक है, म्यू एल से अधिक है, तो एक चीज दिमाग में रखिएगा कि अगर म्यू एम जो है म्यू एल से अधिक हो जाता है, ठीक है ना, तो जो लेंस होती है उसकी प्रकृति क्या होती है? बदल जाती है। समझ में आ रही बात है? यानी लेंस की प्रकृति बदल जाएगी। अगर अवतल है तो वो उत्तल हो सकता है, उत्तल है तो अवतल हो जाएगा, क्योंकि यहां पे जब सॉल्व करेंगे तो साइन क्या आ जाएगा? विपरीत आ जाएगा। और आपको पता है कि केवल उनमें क्या होता है? चिन्ह का ही अंतर होता है। अवतल की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है, और जो उत्तल की फोकस दूरी होती है वो क्या होती है? धनात्मक होती है। समझ में आ रही बात ना? उत्तल की फोकस दूरी धनात्मक और अवतल की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। तो यहां पर अगर म्यू एम जो है म्यू एल से अधिक आ जाता है, ठीक है ना, तो यहां पर लेंस की प्रकृति क्या होती है? बदल जाती है। तो हम कंडीशन एक जान सकते हैं इसके हिसाब से, म्यू एम अगर ग्रेटर देन म्यू एल है तो ये जान लीजिएगा कि लेंस की प्रकृति क्या होती है? लेंस की प्रकृति बदल जाती है। क्लियर हो गया? लेंस की प्रकृति क्या होगी? बदल जाएगी। 100% यहां देखना बेटा, दूसरा कंडीशन क्या है? अगर म्यू एम जो है, ठीक है ना, क्या म्यू एम जो है म्यू एल के बराबर आ गया। समझ आ रही बात ना? यानी म्यू एम जो है म्यू एल के बराबर, तो यहां देखेंगे म्यू एल अपन म्यू एम होता, ठीक, तो कैंसिल होकर कितना हो जाता? जीरो हो जाता कि नहीं हो जाता? तो यहां पे लेंस की जो क्षमता होगी वो कितना होगी बेटा? शून्य होगी। समझ में आ रही बात ना?
अगर म्यू एम जो है म्यू एल के बराबर है तो जो लेंस की क्षमता होगी वो क्या होगी, शून्य होगी, ठीक है ना। तो यहां हम लिख सकते हैं लेंस की क्षमता कितनी होगी, लेंस की क्षमता शून्य होगी, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत। अगला कंडीशन क्या है, देखिए हमने म्यू एम को बड़ा करके देख लिया, अभी क्या होगा, मान लीजिए म्यू एल बड़ा हो म्यू एम से, तब क्या होगा, ठीक है ना। अगर म्यू एल बड़ा हो म्यू एम से तो देखते हैं, अभी क्या जानना है, म्यू एल बड़ा हो म्यू एम से, ठीक है ना। तो एक चीज ध्यान देना बेटा, म्यू एल इज ग्रेटर देन म्यू एम से, समझ आ रही बात ना। तो यहां पे जो लेंस की क्षमता होती है वो क्या होती है, ध्यान देंगे कैलकुलेट करके देख लिया जाए, ठीक, क्या होगा पी, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनली क्या होता है, म्यू माइनस वन, यही होता है। तो यहां पे रख लीजिए P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू एल अपान क्या, म्यू एम, यही ना, माइनस वन, क्लियर। तो अभी क्या होगा, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू एल माइनस म्यू एम अपान म्यू एम के, क्लियर, कोई दिक्कत। तो यहां देखेंगे बेटा म्यू एल जो है म्यू एम से बड़ा है, बड़ा है, तो यहां जो भी वैल्यू आएगी कुछ आएगी, तो इससे क्या होगी, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी इसमें से ये घटेगा, तो जब हम भाग देंगे तो निश्चित तौर पे जो क्षमता आएगी वो हमारी क्या आएगी, बताइए अधिक आएगी कि कम आएगी, कम आएगी, क्षमता क्या आएगी, कम आएगी। तो यहां हम लिख सकते हैं कि जो लेंस की क्षमता होगी बेटा वो क्या होगी, कम होगी, क्लियर। तो यहां लिख सकते हैं लेंस की क्षमता कम होगी तथा फोकस दूरी क्या होगी, तब बढ़ जाएगी, समझ आ रही बात ना, क्योंकि फोकस दूरी क्या होती है, लेंस की क्षमता के अपोजिट होती है, यानी विपरीत होती है। तो यहां पे क्या होगा, तथा फोकस दूरी क्या होगी, बढ़, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत। यानी हमने तीन कंडीशन जाने, ठीक है ना, पहला कंडीशन क्या जाना, पहले ये तीसरा कंडीशन था, ठीक है, पहले कंडीशन में हमने म्यू एम ग्रेटर देन क्या लिया, म्यू एल, ठीक है ना। तो वहां पे क्या हो गया, लेंस की प्रकृति क्या हो गई, लेंस की प्रकृति बदल गई, बदल जाएगी अगर ऐसा होता है तो, ठीक है ना। अगर म्यू एल जो होगा म्यू एम के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है ना, तब क्या होगा, जो हमारी क्षमता होगी वो कितनी होगी बेटा, शून्य होगी, क्षमता कितनी होगी, शून्य होगी। और तीसरा कंडीशन क्या था, म्यू एल ग्रेटर देन म्यू एम, ठीक है ना। तो यहां पे क्या होगा, लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और क्षमता कम हो गई तो फोकस दूरी क्या होगी, बढ़ जाए, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत, पक्का, समझ आ रही बात ना। आइए जानते हैं, ठीक है, विभिन्न लेंस जो है अगर एक दूसरे के संपर्क में रखे हों, ठीक है ना, तो उनकी फोकस दूरी क्या होगी, उनकी क्षमता क्या होगी, इन बातों पर चर्चा करते हैं, ठीक है ना। देखेंगे संपर्क में रखें दो लेंस की क्षमता,
समझ में आ रही बात क्या है? संपर्क में रखे तो लेंस की, ध्यान देंगे, संपर्क में रखे दो लेंस की क्षमता, वही चीज, फोकस दूरी निकल गई तो हम क्षमता निकाल ही लेंगे। तो पहले हम क्या निकालेंगे? फोकस दूरी निकालेंगे, उसके बाद उससे हम क्या करेंगे? उसकी क्षमता कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर हो गया? ध्यान देंगे बेटा। तो हम मान लेते हैं ये हमारे दो उत्तल लेंस है। कौन से लेंस है? उत्तल लेंस एक ये है और दूसरा ये है, ठीक है? दोनों एक दूसरे से सटा करके रखे गए हैं, ठीक। ये इनका क्या हो गया? मुख्य अक्ष। तो एक चीज देखना बेटा, यहां से हम मान लेंगे एक की फोकस दूरी कितनी है F1 और दूसरे की कितनी है F2। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से एक प्रकाश की किरण निकालेंगे, वो क्या होगी? अपवर्तन के पश्चात कुछ इस तरह से जाएगी, ठीक। तो दूसरे लेंस में आएगी अगर, तो एक अगर हम सीधे निकालते हैं तो एक ऐसे जाएगी और एक क्या होगी? यहां से विक्षेपित होगी, ठीक है, इस तरह से, ठीक। तो हम मान लेते हैं ये क्या हो गई? हमारी वस्तु की दूरी कितनी हो गई? u, ठीक। और ये जो है पहले वाले का है, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं? v डैश। क्लियर? कोई दिक्कत? अब क्या होगा बेटा? इसके लिए ये ऑब्जेक्ट, ठीक। तो यहां ये क्या हो जाता है? v मान लेते हैं ये डिस्टेंस। क्लियर? कोई दिक्कत? अब देखिएगा, हम लोग लगाते हैं पतले लेंस के लिए फार्मूला, ठीक है। पतले लेंस के फार्मूला क्या होता है? 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई एक बटे एफ बराबर एक बटे वी माइनस एक बटे, ठीक। तो पहले कंडीशन के लिए हम लोग देखेंगे, तो पहला कंडीशन क्या होता है, ठीक है। मान लीजिए इसको ओ, मान लीजिए इस पॉइंट को, इसको क्या मान लें? आई, और इसको क्या मान लें? आई डैश। कोई दिक्कत? तो यहां क्या होगा? वन बाई एफ वन इज इक्वल टू, ठीक है ना, क्या हो जाएगा? वन बाई वी डैश माइनस वन बाई। क्लियर? 100% डाउट नहीं ना? अब देखेंगे बेटा, इसको मान लीजिएगा इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। और इसी तरह से दूसरे वाले के लिए 1 बाई एफ टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 बाई, देखिएगा ये क्या कर रहा है, ये v डैश, ये दूरी जो है इसके लिए वस्तु का काम, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 1 बाई वी माइनस 1 बाई वी डैश। ये बस समझ में आ रही है? नहीं आई? पक्का? ठीक है, ये क्या हो गया? इक्वेशन सेकेंड। क्लियर? अब क्या होगा बेटा? दोनों इक्वेशन को जोड़ दें, तो जब जोड़ेंगे तो यहाँ लिख देंगे by first plus second। कोई दिक्कत? तो यहाँ देखेंगे क्या आएगा हमारा, 1 by f1 plus 1 by f2 हो जाएगा। यहाँ क्या होगा? ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। तो बचेगा क्या? 1 by v minus 1 by u। ये होगा कि नहीं होगा? पक्का? तो यहां से देखेंगे बेटा, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू की वैल्यू कितनी होती है? 1 बाई एफ के बराबर होती है, होती है कि नहीं? तो यहां लिख सकते हैं क्या, 1 बाई एफ वन प्लस 1 बाई एफ टू इज इक्वल टू 1 बाई एफ। समझ आ रही बात? तो अगर दो लेंस एक दूसरे से एकदम सटा करके संपर्क में रखे गए हैं तो उनकी जो संयुक्त फोकस दूरी क्या होगी? 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई एफ वन प्लस 1 बाई एफ टू, ठीक है ना। अगर इसको ज्यादा सॉल्व करोगे तो जो f बराबर आता है वो क्या आता है बेटा? ये आ जाएगा f1 f2 अपान f1 प्लस f2। समझ आ रही बात की नहीं? क्लियर हो गया? f इज इक्वल टू क्या होगा? f1 f2 अपान f1 प्लस f2 के। क्लियर? अब मुझे चाहिए क्या? लेंस की क्षमता चाहिए। क्या चाहिए? लेंस की क्षमता। क्लियर? तो लेंस की क्षमता चाहिए, तो हम जानते हैं क्या होता है, p इज इक्वल टू 1 बाई एफ, ठीक है ना। तो यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं
मान लीजिए पहले लेंस की क्षमता कितनी थी, पी वन थी, और दूसरे लेंस की क्षमता कितनी थी, पी टू थी, ठीक है ना। तो दोनों का जो क्षमता आएगा वो क्या आएगा, यानी पी इज इक्वल टू आ जाएगा, क्योंकि वन बाई एफ क्या लिखेंगे, पी, तो वन बाई एफ वन की जगह कितना लिखेंगे, पी वन प्लस वन बाई एफ टू की जगह कितना लिखेंगे, पी टू लिखेंगे। कोई दिक्कत समझ में आ गई, क्लियर हो गया। इसी तरह से कई लेंस लगे हो, समझ आ रही बात, तो संयुक्त लेंस की क्षमता हम लोग लिख सकते हैं पी इज इक्वल टू पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री प्लस डॉट 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 प्लस पी एन। हो सकता है, नहीं हो सकता, यानी अगर कई लेंस लगे हुए हैं तो उनके संयुक्त लेंस की क्षमता कितनी हो जाएगी, पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री प्लस डॉट 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 पी एन। होगा, क्लियर हो गया। यहां देखेंगे बेटा, यहां पर दोनों लेंस एक ही प्रकृति के थे, यानी ये भी उत्तल था और ये भी क्या था, उत्तल था। अगर हम अलग अलग लेंसों को जोड़ें, जैसे यहां पर एक क्या अवतल और एक क्या हो जाएगा, उत्तल, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, चिन्ह परिपाटी का। तो जो हमारा कॉन्सेप्ट आ जाएगा, जैसे वन बाई एफ वन, ठीक है, प्लस वन बाई एफ टू इज इक्वल टू वन बाई एफ आया है ना, तो यहां पे क्या हो जाएगा, मान लीजिए ये पहला वाला उत्तल था और दूसरा वाला क्या था, अवतल। तो अवतल की फोकल दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है, तो यहां पे हम क्या लिख लेंगे, माइनस लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, समझ में आ रही बात ना। मान लीजिए हम लिख देते हैं, ये हो गया, अगर एक अवतल होता और एक क्या होता, उत्तल होता। जैसे अगर एक अवतल लेंस हमने ले लिया, ठीक, और एक क्या ले लिया, उत्तल लेंस, ठीक है। ये मान के रखिएगा कि दोनों को हमने सटा दिया है, ठीक है, ये गैपिंग आप मत देखिएगा, कोई दिक्कत। तो यहां पे देखेंगे बेटा, मान लेंगे इसकी जो फोकल दूरी है वो कितनी है, एफ वन, इसकी फोकल दूरी कितनी है, एफ टू, क्लियर। तो यहां पर जो संयुक्त फोकल दूरी आएगी, वन बाई एफ इज इक्वल टू लिख सकते हैं वन बाई एफ वन माइनस वन बाई एफ टू, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत। तो ये हो गया इनकी संयुक्त फोकस, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगर इसी तरह से और भी लेंसेज जुड़े हो तो हम लोग क्या करेंगे, उनकी क्षमता या उनकी फोकस दूरी इसी तरह से उसको क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे चिन्ह परिपाटी के अनुसार, ठीक है ना। ये अवतल था तो पाई ट्यूब, सॉरी ये उत्तल था तो पाई ट्यूब, ये अवतल है तो क्या, निगेटिव, फिर अगर उत्तल लगाते आप तो फिर पाई ट्यूब, फिर उत्तल लगाते फिर पाई ट्यूब, फिर उत्तल लगाते फिर पाई ट्यूब, फिर अवतल लगाते तो निगेटिव, सीधे हम लोग क्या करते, जोड़ते हुए निकल जाते। क्लियर हो गया, कई लेंस मिल जाए तो मुझे कोई दिक्कत अब नहीं होगी। चलिए ध्यान देना बेटा, अभी तो ये लेंसों को हमने सटा करके रखा था, ठीक है। अगर ये लेंस कुछ डिस्टेंस पे रखे जाए, समझ में आ रही बात ना, मान लो एक दूसरे से कितनी दूरी पे है, डी दूरी पर, एक लेंस ये है उत्तल है, ठीक है, और एक दूसरा उत्तल लेंस ऐसे है, ठीक है। इसकी फोकल दूरी कितनी है बेटा, एफ वन, और इसकी फोकल दूरी कितनी है, एफ टू, ठीक। अगर इनके बीच की दूरी कितनी है, डी, कोई दिक्कत। तो इनकी संयुक्त फोकस दूरी जो आएगी, ठीक है ना, संयुक्त फोकस दूरी क्या आएगी, वन बाई एफ इज इक्वल टू आ जाएगी वन बाई एफ वन प्लस वन बाई एफ टू माइनस डी बाई एफ वन इंटू एफ टू। ये क्या होती है, अगर दो लेंस एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर रखे गए हैं, ठीक है ना, और उनकी फोकस दूरी हमसे पूछ रहा है, ठीक है ना, तो वो फार्मूला क्या होगा बेटा, वन बाई एफ इज इक्वल टू वन बाई एफ वन प्लस वन बाई एफ टू माइनस डी बाई एफ वन इंटू एफ टू, ठीक है। अगर यही चीज़ यहाँ हमसे क्षमता पूछ लेता, मान लीजिए ये एक दूसरे से डी दूरी पर है, तो इनकी संयुक्त क्षमता क्या होगी, तो संयुक्त क्षमता जो होगी बेटा, पी इज इक्वल टू हो जाएगी पी वन प्लस पी टू माइनस, ठीक है ना, P1 वन इंटू पी टू इंटू डी। समझ आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत है आपको, किसी भी प्रकार की समस्या,
तो ये हो गया, ठीक है ना, लेंस की क्षमता और फोकस दूरी। क्लियर। आइए अब हम लोग अलग अलग पृष्ठों के लिए उनकी फोकस दूरियां और उनकी क्षमता समझते हैं, ठीक है ना। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था द्वि अवतल, द्वि उत्तल, समतलो अवतल, समतलो उत्तल, ठीक है ना। तो इन सारे लेंसेस के लिए उनकी फोकस दूरी और उनकी क्षमता को जानते हैं। क्लियर हो गया। चलिए आइए देखते हैं। यहां देखेंगे बच्चों, ठीक है, अगर मान लीजिए आपने क्या लिया, उभयो उत्तल पृष्ठ लिया, उभयो उत्तल पृष्ठ, के लिए फोकस दूरी क्या होगी या उसकी क्षमता क्या होगी, ठीक है ना। तो एक चीज देखना बेटा, ये हमारा क्या हो गया, उभयो उत्तल हो गया, ठीक। यहां पर जो इसकी त्रिज्याएं होंगी, ठीक है ना, इसका क्या होता है, F2 इधर होता है और C2 इधर हो जाएगा, ठीक है। F1 क्या हो जाएगा, इधर, और C1 किधर हो जाएगा, इधर। क्लियर, ठीक। तो एक चीज ध्यान देंगे बेटा, इसकी जो त्रिज्या होगी, ठीक है ना, यानी R1 इज इक्वल टू क्या लिया जाएगा, यहाँ पर पाई ट्यू, और R2 इज इक्वल टू क्या लिया जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। तो हम लोग कॉन्सेप्ट क्या जानते हैं, यहाँ पर वन बाई एफ इज इक्वल टू, ठीक है ना, क्या होता है, म्यू माइनस वन, क्या, वन अपान आर वन माइनस वन अपान आर, कोई दिक्कत। तो ये हो जाएगा वन बाई एफ इज इक्वल टू म्यू माइनस वन, वन अपान आर वन, ठीक है ना। यानी आर वन की अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, आर वन क्या लेंगे, पाई टू लेंगे, ठीक है ना। और इन दोनों को किसके बराबर लेना, आर के बराबर मान लेना, क्योंकि एक ही पृष्ठ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, एक ही पृष्ठ, मतलब कि ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, उभयो उत्तल, यानी दो उत्तल मिला करके बना है, ठीक है ना। तो इसलिए इन दोनों की रेडियस हम क्या लेंगे, इक्वल ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन अपान आर वन की जगह हो जाएगा वन अपान आर, ठीक है, और वन अपान आर टू है तो ये क्या लिया जाएगा, निगेटिव, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है, क्या हो जाएगा, वन अपान आर के। क्लियर। तो यहाँ से क्या होगा, वन बाई एफ इज इक्वल टू म्यू माइनस वन, और ये इसका हर समान है तो कितना हो जाएगा, टू बाई आर के। क्लियर। तो यहाँ से अगर फोकस दूरी की बात करेंगे तो फोकस दूरी एफ बराबर कितना हो जाएगा बेटा, ध्यान देना, आर अपान क्या, टू ब्रेकेट में म्यू माइनस, ये किसके लिए होता है, उभयो उत्तल लेंस के लिए जो है फोकस दूरी का फार्मूला क्या होता है, एफ बराबर आर अपान टू ब्रैकेट में म्यू माइनस वन के। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना है, ठीक। अभी क्या होगा, ध्यान देना, अगर इसकी क्षमता मुझसे पूछता तब हम क्या करते, तो यही वन बाई एफ की जगह कितना हो जाता, पी, तो पी इज इक्वल टू कितना आ जाता, क्षमता, ठीक है ना, क्या होता, टू म्यू माइनस वन अपान कितना आर के, ये क्या हो जाता, इसकी क्षमता हो जाती है। क्लियर है, ठीक। अगर यही पृष्ठ हमारी क्या होती बेटा, ध्यान दीजिएगा, क्या होती, उभयो अवतल होती, क्या होती, उभयो अवतल। तो यहां आप लिख सकते हो उभयो अवतल पृष्ठ के लिए, ये दो हो गया ना, क्लियर, ठीक, उभयो अवतल, उभयो अवतल पृष्ठ की अगर हम बात करते हैं, ठीक है ना, तो उभयो अवतल पृष्ठ के लिए क्या हो जाएगा, आर वन क्या हो जाएगा बेटा, निगेटिव हो जाएगा, और जो आर टू होगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर हो गया। जो आर वन होगा वो क्या होगा, निगेटिव, और आर टू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। उभयो किसके लिए, अवतल पृष्ठ के लिए। तो जो हमारा कॉन्सेप्ट आएगा वो क्या आएगा, वन बाई एफ इज इक्वल टू म्यू माइनस वन, वन अपान आर वन माइनस वन अपान आर टू, यही होता है ना।
यहाँ क्या हो जाएगा, वन बाई एफ इज इक्वल टू म्यू माइनस वन, ठीक है, वन अपान आर वन, ठीक है। तो आर वन क्या लिया जाएगा, निगेटिव, तो यहाँ कितना होगा माइनस वन बाई आर, ठीक है, क्योंकि दोनों की वैल्यू किस कितने के बराबर है, आर के, ठीक। और क्या हो जाएगा, ये ऑलरेडी माइनस वन बाई क्या हो जाएगा, आर, क्लियर। तो ये कितना आ जाएगा, वन बाई एफ इज इक्वल टू म्यू माइनस वन, क्या हो जाएगा, माइनस टू बाई आर के होगा। तो यहाँ से फोकस दूरी अगर मुझे निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा, ठीक है ना, क्या आर माइनस आर अपान टू ब्रैकेट में म्यू माइनस, ये क्या होगा, फोकस दूरी, क्लियर। अगर मुझसे क्षमता पूछता तो क्षमता पी बराबर कितना होता, माइनस, ठीक है, टू म्यू माइनस वन अपान क्या आर के, ये क्या होता, उभयो अवतल पृष्ठ के लिए, सॉरी उभयो अवतल लेंस के लिए, ठीक है ना। यहाँ पर पृष्ठ नहीं है बेटा, क्या है, लेंस है, क्या है, लेंस, ठीक। इसके लिए क्या होगा, जो है हमारी क्षमता इतनी आएगी और फोकस दूरी इतनी आएगी, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत। इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, समतलो उत्तल, समतलो अवतल, सारे पृष्ठों के लिए क्या करेंगे, इसी कॉन्सेप्ट से निकाल लेंगे। समझ में आ रही बात ना, कोई दिक्कत। यहां देखिएगा, यहां लिख सकते हैं समतलो समतलो तल लेंस के लिए, ठीक है ना। अगर समतलो उत्तल लेंस की हम बात करेंगे बेटा, तो जिसका एक पृष्ठ क्या होगा, समतल, और दूसरा क्या होगा, उत्तल होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, समतलो उत्तल, ठीक है ना। तो यहाँ पे, ठीक है, जो हमारा आर वन आएगा वो क्या आएगा, ठीक है ना, इसके लिए, इस पृष्ठ के लिए जो हमारी वक्रता त्रिज्या होगी, ठीक है ना, वो क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। कितनी होगी, इनफाइनाइट, यानी आर वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, ठीक है ना। और यहाँ पर जो आर टू हमारा आएगा वो कितना आएगा बेटा, ध्यान देना, निगेटिव आएगा, क्या आएगा, निगेटिव, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लगा सकते हैं कॉन्सेप्ट, वन बाई एफ इज इक्वल टू क्या, म्यू माइनस वन, वन अपान आर वन माइनस वन अपान आर टू, क्लियर हो गया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, वन बाई एफ इज इक्वल टू, ठीक है ना, क्या आ जाएगा, म्यू माइनस वन, ठीक है, क्या आ जाएगा, वन अपान आर वन, तो वन अपान इनफाइनाइट माइनस माइनस प्लस वन अपान आर टू, किसके बराबर लेंगे हम, आर के बराबर, ठीक है ना, आर टू किसके बराबर लेंगे, आर के बराबर। तो एफ बराबर आ जाएगा, वन बाई एफ इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू माइनस वन, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, वन बाई आर के, क्लियर। यहाँ से फोकस दूरी अगर कैलकुलेट करोगे तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर अपान म्यू माइनस, क्लियर 100%। इसी तरह अन्य पृष्ठ के लिए, मान लो समतलो अवतल पूछता है, तो हम लोग कर लेंगे, जिसका एक पृष्ठ समतल होगा दूसरा क्या होगा, अवतल होगा, ठीक है ना, तो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे ना। तो अन्य पृष्ठों के लिए भी आप क्या करिएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, हम आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे क्या, न्यूटन का सूत्र, ठीक है, और भी तमाम बातें, जैसे किसी लेंस को काट दिया जाए, ठीक है ना, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी, ठीक, अन्य बातों को लेकर के हम आएंगे, ठीक। अगर चैनल आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।